ये देखिए, शपथ ग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। मनोनीत जो पार्षद हैं उन्हें शपथ ग्रहण कराया जा रहा है, और बाहर देखिए ये गुत्थम गुत्थी की स्थिति पैदा हो गई है। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए हाथापाई तक की नौबत आ गई है वहां। जी देखिए, दोनों ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त काफी अग्रेसिव हैं, नारेबाजी हो रही है और लगातार जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं और एसएसबी के जवान हैं वो एक तरह से एक डिवीजन क्रिएट करके खड़े हैं ताकि भिड़ंत ना हो, फिजिकल भिड़ंत ना हो दोनों के बीच में। और इसी वजह से देखिए, इस तरफ मैं दलवीर को कहूंगा वो दूसरे छोर पे आके आपको स्थिति दिखाए कि किस तरह से यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग, नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? ये हंगामा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, इनका काम ही यही है, क्योंकि ये किसी भी चीज को लोग भी नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। उधर से नारेबाजी हो रही है और बीजेपी के भी खेमे से नारेबाजी। देखिए यहाँ अमित, इनसे ये पूछिए कि जो इतना आत्मविश्वास है बीजेपी को कि उनका ही मेयर और डिप्टी मेयर बनेगा, इसकी वजह क्या है? नंबर तो है नहीं। अच्छा, आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के जो का कैंडिडेट जो है, चाहे वो मेयर का हो डिप्टी मेयर का हो, जीत के आएगा। आंकड़े नहीं है आप लोगों के पास तो कैसे ये दावा कर? देखिए, हम कोई नारेबाजी उटिंग नहीं कर रहे। पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उटिंग कर रहे हैं और उसके बाद भाजपा कार्यकर्ता। लौटेंगे आपके पास, इस बीच अपने दर्शकों को सुना देते हैं हंस राज। हंस क्या कह रहे हैं? इच्छा है शांति से, ग्रेसफुली हो जाए, प्यार से हो जाए, तो मेयर मिल जाए दिल्ली को। जो सुरक्षा कर्मी आप देखे जा रहे हैं उसको लेके आप सवाल भी खड़े कर रही है? हाँ जी, सुरक्षा तो कोई गड़बड़ ना हो जाए उस लिए होगी, लेकिन पिछली बार भी ऐसा नहीं हुआ था, होना था, लेकिन कुछ लोगों ने गड़बड़ की तो उसका रिएक्शन हुआ। नहीं, सुरक्षा कर्मचारियों ने वोटिंग थोड़ी करनी है। सर, आपको लगता है फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि एसएसबी, सीआई, एसएससी, आरपीएफ सब तैनात है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाएगा, वो तो सुरक्षा के लिए है, उनका काम ओनली सुरक्षा करना है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार मेयर किसका होगा, डिप्टी मेयर या बीजेपी का हो सकता है? उम्मीद आप लोग क्या कर रहे हैं? उम्मीद यही रखनी चाहिए कि बीजेपी का होगा मेयर। हर्षराज जी क्या कहना चाहेंगे? हर्षराज जी क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि आप लोग जो है यहाँ पर सारे रॉयल्स वाली टीम को तैनात किया है? पहले आरोप लगाने की बजाय ग्रेसफुली आज वोटिंग हो जानी चाहिए और दिल्ली को मेयर मिलना चाहिए। आज दिल्ली को किस पार्टी से मेयर मिलेगा, क्या लगता है? हमारी तो इच्छा है बीजेपी से ही मिले। हाँ, आपकी इच्छा है, लेकिन क्या ये इच्छा संवैधानिक उसके आधार पर है? ये नहीं, वोटिंग होगी, वोटिंग में तो लोकतंत्र है। हाँ। जिसके हक में वोटिंग हो जाएगी उसका मेयर बन जाएगा।